कल रात मुरादनगर रेलवे स्टेशन के पास पार्किंग माफियाओं द्वारा एक जीप पेड़ को आग लगा दी गई। हेड कांस्टेबल अक्षय कुमार की सतर्कता के कारण योगीराज में इंसान ही नहीं वृक्ष को भी बचाया गया। योगीराज में इंसान ही नहीं वृक्ष भी सुरक्षित है। मौके पर श्री मुरारी धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी अनुराग शर्मा भी मौजूद थे, जिन्होंने अक्षय कुमार जी के साथ मिलकर सहयोग किया। गाजियाबाद से कुणाल सिंह की रिपोर्ट। वीडियो बनता तो फोन किसी सवाल सबका काम है। ऊपर लेवल का नहीं चाहिए होगा, शेवतिया का हो सकता है। अब नहीं लिखेगा तुम्हें पार्किंग किसी की भी नहीं है, पार्किंग बनाना चाहते हैं। पहले ये रेलवे की पार्किंग थी, लेकिन ये पेड़ गिर जाने बात है। लेडी सीट हो रही है ना यहाँ से? नहीं, वैसे अगर आप लोग नहीं आते थे घुसता नहीं। हरियाणा जब हम घुसवा के गए तो दरवाजा खोला गया, पहले तो वहाँ जाओ वहाँ टेंट लगा था, टेंट लगा था। अभी ऑर्डर हाँ जी भाई जी, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका अपना नाम क्या है? जी जी, मेरा नाम नंबर है 1613 HC हेड कांस्टेबल और अक्षय कुमार नाम। अक्षय कुमार भाई जी, आपका अपना नाम? हेड कांस्टेबल महक सिंह। महक सिंह जी, चौकी रेलवे रोड। चौकी रेलवे रोड, मुरादनगर। भाई जी, आप बता रहे थे मुझे कि 8 दिन पहले भी किसी ने यहाँ के पार्किंग माफिया ने इसमें आग लगवाई। जी जी, इसमें ऐसा है कि इसमें खुरापात जो है लोग कर जाते हैं, ये इसमें मोखला हो गया है पेड़ में, लेकिन ये इसमें अभी जो है ग्रीनरी है। तो कहने का मतलब यह है कि अब जहाँ पे सूखा सूखा है इसी में जो है हरकत कर जाते हैं, और उसके बाद में जो खुरापाती तत्व हैं, जो शरारती हैं, वो ऐसी हरकत करके और भाग जाते हैं। कहने का मतलब यह है, अब पब्लिक प्लेस है तो अब सामने तो करते नहीं, लेकिन फिर भी ये मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि पार्किंग माफिया इस जिंदा पेड़ को कितने दिनों से जलाने की कोशिश कर रहा है कि इसमें आग लग जाए और ये हरा भरा पेड़ सूख जाए, ताकि जब ये जल जाएगा तो इसे हटाया जा सके। ऐसा तो इन्हें पॉलिटिकल संरक्षण मिला हुआ है तभी ऐसा काम कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा करना पॉसिबल तो है नहीं। कुछ कहना चाहेंगे आप कि ये आग जो आपने इतनी मेहनत से बुझाई है, आपने इतनी मेहनत की है इसे बुझाने में, तो जो भी लोग इसे बार बार जलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा तो पहली बार हुआ नहीं कि पहली बार जल रहा है जी। एक्चुअली चक्कर क्या है ना, ये लोग जो हैं ये इस बात को जानते हैं कि अगर हम कहीं आग लगाते हैं तो आग लगा देने का मतलब क्या होता है। ये लोग जानते हैं इस चीज़ के लिए, तो ये अपराध ही है ये एक प्रकार का, क्योंकि आग लगा देना, और फिर कहने का मतलब ये है कि आग लगा देना जैसे किसी के घर में आग लगा देते हैं, वैसे ही अगर आग लगा के उसकी फ्रिक्वेंसी वायरल कर जाए तो आग लगा देना मतलब आग लग गई। खैर, मैं सहमत हूँ आपके प्राकृतिक प्रेम से कि आपने पहले भी इसको बुझाया और आज भी आप काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं और आपने इसको बुझाने की कोशिश की और बुझा दिया। इतनी देर से आप इसे बुझाने की मेहनत कर रहे हैं, मैं सहमत हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जैसे जागरूक पुलिस वाले होंगे तो मैं जानता हूँ कि योगी राज में कानून का ही राज रहेगा, क्योंकि योगी राज हमेशा कहता है कि चाहे इंसान हो चाहे वृक्ष हो, सब एक समान है। जितनी बार आग लगी हम तो उतनी बार प्रयास करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मैं सहमत हूँ आपकी बात से। आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि कितना प्रयास कर रहे हैं मुरादनगर से दोनों हमारे भाई, पहले भी आग लगी थी।